तो आज की मंडे नाइट रॉ में हमें क्या क्या देखने को मिला है, कौन से मैचेस होने वाले हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस में, क्या हुआ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, ये सारे रिजल्ट्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की मंडे नाइट रॉ शो की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ये शो पिछले हफ्ते से थोड़ा बेकार लगा, थोड़ा बोरिंग लगा, लेकिन तब भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे के लिए मुझे एक्साइटेड करती हैं। तो पूरे तरीके से इसका नेगेटिव रिव्यू आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि WWE ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोशिश करी नहीं शो को अच्छा बनाने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ये शो खींचा हुआ है। अब सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है गाइस साशा बैंक्स के प्रोमो से, जो कि आगे एक्सप्लेन करती हैं कि आखिर उन्होंने क्यों बैकी लिंच को अटैक करा था। वो कहती हैं कि बैकी लिंच को मौका मिला मेन इवेंट करने का रेसलमेनिया में, जबकि मैं एक ऐसी चैंपियनशिप के मैच में थी जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, जो कि बिल्कुल सच बात है। और उसके बाद नटैलिया बाहर आके अटैक कर देती हैं साशा बैंक्स को, और दोनों के बीच में हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है जो कि बहुत सारे रेफरीज आके रोक देते हैं। और ये ओपनिंग सेगमेंट थी मंडे नाइट रॉ की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज सेथ रॉलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंटरव्यू होती है, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन चैलेंज करते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अब क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए ऑफिशियल हो चुका है कि इन दोनों का मैच ही होने वाला है फॉर द यूनिवर्सल टाइटल। और बात रही टैग टीम टाइटल्स की, तो उसका भी एक मैच होगा, तो ये दोनों ही सुपरस्टार्स जो है हमें दो बार लड़ते हुए दिखाई देंगे क्लैश ऑफ चैंपियंस में। उसके बाद हमें देखने को मिला किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के राउंड वन का मैच रिकोशे और ड्रू मैकइंटायर के बीच में, और ऑब्वियसली ये 50-50 था क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स काफी ओवर चल रहे हैं इस समय पे। और WWE ने ये डिसीजन लिया यहां पे कि रिकोशे को आगे जाना चाहिए, तो उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को एक 630 मार के हरा दिया। ये मैच काफी पसंद आया मुझे, बहुत क्लोज मोमेंट्स थे, ऐसे लग भी रहा था मुझे कि ड्रू मैकइंटायर जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो समोआ जो के साथ इसके विनर का मैच होना है, और जो एक हील है और रिकोशे एक फेस है, तो ज्यादा सेंस बनती है। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल पानी में जा चुकी है। मैंने केविन ओवेंस और ड्रू मैकइंटायर का फाइनल बोला था, और दोनों ही सुपरस्टार जो है वो पहले राउंड में बाहर हो गए। अब ड्रू मैकइंटायर के हारने का रीजन तो समझ में आता है, लेकिन केविन ओवेंस को राउंड वन में हराने की क्या जरूरत थी, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उसके बाद हमें एक और किंग ऑफ द रिंग का मैच देखने को मिलता है राउंड वन का, बैरन कॉर्बिन और मिज के बीच में, और ये मैच कुछ ज्यादा खास नहीं था। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे पॉजिटिव कहना चाहूंगा कि जब से बैरन कॉर्बिन वापस आए हैं, जो उनका इन रिंग रेसलिंग है वो मुझे पहले से बेटर लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या तो वो बहुत देर बाद आए हैं शायद इसलिए, लेकिन ये मैच बैरन कॉर्बिन के नॉर्मल मैचेस से थोड़ा अच्छा था और उनकी यहाँ पे विक्ट्री हो गई। और ये प्रिडिक्शन मेरी बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिज इस समय एक बहुत पॉपुलर बेबी फेस है, और उनका मैच अगले राउंड में सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ नहीं कराया जा सकता क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अलेक्जेंडर वो मैच भी जीतने वाले हैं। तो इसलिए बैरन कॉर्बिन यहाँ पे सही चॉइस थी, वो मैच जीतते हैं। और उसके बाद किंग ऑफ द रिंग के थ्रोन पे जाके एक प्रोमो कट करते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि किसी को नहीं लगता कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतने वाला हूं, लेकिन अब इसकी आदत डाल लो क्योंकि कुछ टाइम बाद ही तुम मुझे बोलोगे ऑल हेल किंग कॉर्बिन। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस एक टैग टीम टर्मोइल मैच, जो कि बेसिकली टैग टीम्स का गॉन्टलेट मैच था। यहां पे 8 टीमें कंपीट कर रही थी, और जो भी इसको जीतता उसको मिलना था सेथ रॉलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट एक टाइटल शॉट एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट होता है वाइकिंग रेडर्स और बी टीम के बीच में, जहां पे द वाइकिंग रेडर्स जीत जाते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं गैलोस एंड एंडरसन यानी कि दी ओसी, और वो अटैक कर देते हैं वाइकिंग रेडर्स पे। दोनों ही टीमें आपस में लड़ने लग जाती हैं, रेफरी उनको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकते नहीं है, और दोनों ही टीम्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब मैं यहां पे ये सोच रहा हूं कि गैलोस और एंडरसन जो कि प्रीवियस चैंपियंस थे, उनको एक और मौका चाहिए अपने टाइटल्स को जीतने का, और उसके बाद उनको पता है कि ये मैच को जीतना भी कितना मुश्किल है क्योंकि इसमें टोटल 8 टीमें हैं, और वो ऐसे बाहर आते हैं और अपने आप को इतनी रूकी मिस्टेक करके डिस्क्वालीफाई करा लेते हैं। आखिर कौन से चैंपियंस ऐसा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद WWE का रीजन यहां पे ये था कि वो वाइकिंग रेडर्स को भी क्लीन पिन नहीं कराना चाहते थे क्योंकि अभी तक वो कोई भी मैच हारे नहीं है मेन रोस्टर पे, और एक डबल डिस्क्वालिफिकेशन इजी वे आउट था दोनों ही टीमों का जीतने के लिए। और अब OC जो हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा उनको पुश करा जाएगा, ऐसे लग रहा है कि OC अब धीरे धीरे करके जॉबर्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद गाइस बाहर आते हैं डॉल्फ जिगलर और बॉबी रूड, एक नई टीम जो कि WWE ने बनाई है, और उनका सबसे पहले मैच होता है लूचा हाउस पार्टी के साथ जो कि वो जीत जाते हैं। उसके बाद द रिवाइवल आते हैं बाहर और जिगलर रूड वो वाला मैच भी जीत जाते हैं जो कि काफी अच्छा मैच था। और फिर फाइनली हैवी मशीनरी यानी कि ओटिस और टकर के साथ जिगलर और रूड का मैच होता है, और यहां पर भी जिगलर और रूड को जितवा दिया गया। तो काफी स्ट्रांग तरीके से इन्होंने 3 टीमों को यहां पर हरा के नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट हासिल कर लिया, और अपने डेब्यू पर ही इस टीम ने प्रूव कर दिया कि आने वाले समय में कुछ डोमिनेंस दिखा सकते हैं। अब इनका मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, क्या ये टाइटल जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे वो अभी बताना बहुत
मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करेगा, जिगलर और रूड एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है जो कि अगर ढंग से बुक करा जाए तो एक बढ़िया टीम बन सकती है। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है साशा बैंक्स और नटालिया के बीच में, और जिस तरीके से WWE को साशा को यहाँ पे बुक करना था उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया, और बहुत डोमिनेंट तरीके से साशा बैंक्स ने टैप आउट करा दिया नटालिया को, और उसके बाद वो मैच खत्म होने के बाद उनको फिर से अपने सबमिशन होल्ड यानी कि बैंक स्टेटमेंट में डालती हैं, और एक काफी बढ़िया जो है साशा बैंक्स का रोल मुझे लग रहा है अब उनका जो मैच होने वाला है बेकी लिंच के साथ, मैं चाहूंगा और बढ़िया हो। बेकी लिंच आज के शो में हमें देखने को नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट था जो शायद मैं मिस यहां पे कर रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सिजारो वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, और इस मैच को करने के पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन था नहीं, लेकिन तब भी एक अच्छा रेसलिंग मैच था क्योंकि हम जानते हैं सिजारो और अलेक्जेंडर दोनों ही बहुत कमाल के इन रिंग रेसलर्स हैं, और एक बार फिर से इन्होंने ये चीज प्रूव कर दी है। और अगर इसके रिजल्ट की हम बात करें गाइस, तो सेड्रिक अलेक्जेंडर ने एक लंबा चेक लगा के जो है हरा दिया यहां पे सिजारो को, तो जो उनका मोमेंटम है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का वो अगले राउंड के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। और फिर फाइनली मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और यहां पे जो है रेफरी गिरे होते हैं बाहर, ओसी आ जाते हैं एक बार फिर से इंटरफेयर करने, ब्रॉन स्ट्रोमैन के हाथ में स्टील चेयर होती है, वो एजे स्टाइल्स को नहीं मारते, सिर्फ गैलोस और एंडरसन को मारते हैं, लेकिन रेफरी जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रोमैन ने मारा है स्टाइल्स को, वो कर देते हैं स्ट्रोमैन को डिस्क्वालीफाई, और यहां पे एक बार फिर से स्ट्रोमैन का मौका चला गया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतने का। स्टाइल्स अभी भी चैंपियन है, और स्ट्रोमैन गुस्से में आके फिर अटैक कर देते हैं, पूरी ओसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरीके से जो है यहां पे शो खत्म होता है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल रिव्यू करूं तो ये अच्छा रेसलिंग शो मुझे जरूर लगा, लेकिन कुछ कुछ मोमेंट्स काफी बोरिंग थी, और ऐसा लग रहा था कि WWE ने थोड़ा सा जो सेगमेंट्स में था वो इस बार कम काम किया और अच्छा उनको बनाया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल ये शो एक डिसेंट शो था, लेकिन लास्ट वीक के कंपैरिजन में श्योरली ये शो थोड़ा बेकार था। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।